एक्सेल में अगर किसी टेबल से आपको बॉटम फोर वैल्यूज निकालनी है तो उसके दो तरीके हैं, स्मॉल फॉर्मूला एंड एग्रीगेट फॉर्मूला। चलिए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। स्मॉल फॉर्मूला के लिए आप एंटर कीजिए इक्वल्स टू स्मॉल, अपने टेबल को सिलेक्ट करें, कॉमा, यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है एंड 1, 2, 3, 4, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। तो आप देखेंगे इसने बॉटम फोर वैल्यूज दे दिए हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे 50 करता हूँ तो आप देखेंगे ये 50 हो गया है, एंड इसको मैं 60 करता हूँ तो आप देखेंगे ये यहाँ पे चेंज हो गया 60। बट अगर आपके डेटा में सपोज कोई एरर है एन ए, तो आप देखेंगे इसने चारों को एन ए कर दिया है। इस केस में हम यूज करते हैं एग्रीगेट फॉर्मूला, उसके लिए आपको एंटर करना है इक्वल्स टू एग्रीगेट, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 15 नंबर पे स्मॉल पे डबल क्लिक करो, कॉमा, यहाँ पर इग्नोर एरर वैल्यूज, आप इस पे डबल क्लिक कर सकते हो या फिर आप 6 भी टाइप कर सकते हो, कॉमा, अपने टेबल को सिलेक्ट करो, कॉमा, अगेन कर्ली ब्रैकेट ओपन करके 1, 2, 3, 4, क्लोज द कर्ली ब्रैकेट, क्लोज द नॉर्मल ब्रैकेट एंड एंटर। तो अब यहाँ पे एरर है फिर भी इसने वैल्यूज आपको दे दिया है। अगर वीडियो पसंद आई देन लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।